मल्टी प्रोडक्ट नेट में रिचार्ज कैसे करना ये आप लोग देख लीजिए। पहले क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद मल्टी प्रोडक्ट नेट लिखेंगे। मल्टी प्रोडक्ट नेट लिखेंगे, मल्टी प्रोडक्ट डॉट नेट टाइप करने के बाद सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा, सर्च होने दीजिए। खुल गया साइट। साइट खुलने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में राइट साइड में तीन लाइन दिख रहा है, तीन लाइन में वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आएगा, तो यहाँ पर लॉगिन दिखा रहा है, तो यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आप दीजिएगा। यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड सेट था, सेव था मेरा, इसलिए आ गया। लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आएगा। नीचे देखिए रिचार्ज वॉलेट रिपोर्ट लिखा है, रिचार्ज वॉलेट रिपोर्ट, ठीक से देखिए यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ए आई बी मोबाइल रिचार्ज यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक से देखिए ए आई बी मोबाइल रिचार्ज यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस टाइप का आएगा, तो इसको थोड़ा हटा लीजिएगा। कैसे हटाएगा, यहाँ पर देखिए एकदम ऊपर में माय अकाउंट डैशबोर्ड लिखा है, तो डैशबोर्ड के ऊपर में छोटा सा गोल टाइप का, इसको आप थोड़ा क्लिक कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। हम क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, हट गया। तो जिस मोबाइल पर रिचार्ज करना है वही नंबर दीजिएगा, ठीक है। और ये सुन लीजिए, किसी भी टाइम कोई भी टाइम आप रिचार्ज कर सकते हैं किसी भी मोबाइल पर। तो हम जो मोबाइल में रिचार्ज करना है वही नंबर हम देंगे। दे दिया। उसके नीचे देखिए सर्विस नेम लिखा है, तो सिलेक्ट सर्विस नेम करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर करने के बाद चार ऑप्शन है, तो जो मेरा नेट होगा एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन, तो मेरा वोडाफोन है तो मैं वोडाफोन कर लिया। करने के बाद हम सबमिट कर देंगे तो मेरा रिचार्ज हो जाएगा। इस टाइप का दोस्तों पूरा सिंपल है। कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।